मेरठ किसान मजदूर संगठन ने एक सप्ताह से कमिश्नरी चौराहा स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में अनिश्चितकालीन धरना दे रखा है। मेरठ में 20 सूत्री मांगों और सीएम से मुलाकात को लेकर कमिश्नरी पार्क में डेरा जमाए किसानों को मनाने गए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। किसानों ने पुलिस द्वारा दिए गए नोटिसों को लेकर आक्रोश जताया। इसके बाद शनिवार को महापंचायत करने का ऐलान किया गया। आज सुबह से ही कमिश्नरी पार्क पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कमिश्नरी चौराहा पार्क पर किसान मजदूर संगठन की ओर से आयोजित महापंचायत में लगातार भीड़ उमड़ी रही। किसान मजदूर संगठन की महापंचायत खत्म होने के बाद किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने कहा, 7 तारीख को किया जाएगा सभी जिलों में जिला अधिकारी के दफ्तर पर प्रदर्शन और 11 को फिर होगी महापंचायत। सरकार नहीं लेगी संज्ञान तो 12 से बैठेंगे सभी किसान भूख हड़ताल पर। महापंचायत हुई है, काफी दिनों से बैठे हुए हैं, क्या फैसला हुआ है, आगे की क्या नीति रहेगी और शासन प्रशासन से अगर कोई आपके पास नोटिस फिर से आता है तो उसका किस तरीके से आपकी तरफ से एक्शन लिया? जैसे मान लिया एक नोटिस भेजा था अभी इन्होंने, उस नोटिस का नतीजा तो आज देख लिया इन्होंने, दूसरा भेजेंगे उसका फिर दिखाओगे। ये आज पंचायत ने फैसला लिया, जब तक वार्ता नहीं होगी अधिकारों पर संज्ञान नहीं लेगी सरकार, जब तक धरना चलता रहेगा। 7 तारीख को पूरे प्रदेश में सभी जिलों में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन होगा 11 बजे से 3 बजे तक, उसे ज्ञापन दिया जाएगा डीएम के माध्यम से और 11 तारीख की महापंचायत फिर दोबारा से मेरठ कमिश्नरी में रखी गई है। यदि सरकार कोई वार्ता करती है तो पंचायत स्थगित होगी और यदि कोई वार्ता नहीं करती तो 11 तारीख में महापंचायत है और 11 तारीख तक भी कोई संज्ञान नहीं लेता तो 12 तारीख में हम भूख हड़ताल पर बैठे। बिल्कुल, हम नहीं, हम तो पटवारी से भी कर लेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला आज है बस। भाई जो नुकैक मैं करूँ, मान लिया कमिश्नर साहब नुकै दे भाई मैं करूँगा इन समस्याओं का समाधान, तो हम तो इन्हीं की मान लेंगे। डीएम कह दे, यो सिविल लाइन थाने का एसओ कह दे, कह लो मेरे हाथ में आज मैं कर दूंगा इसकी मान लेंगे। भाई गन्ना भुगतान है 12,000 करोड़ रुपए गन्ने का ब्याज का पैसा है, बेरोजगारों की पेंशन का मसला है। हमने कहा जो युवा आज पढ़ लिख के वो बीटेक एमटेक बड़ी बड़ी डिग्री लेके घर आज भी खेती कर रहा, जब तक सरकार उसे सम्मानित नौकरी नहीं देती जब तक उसे 15,000 रुपये महीना मासिक भत्ता दे जिससे वो अपने फार्म भर सके, अपने मान सम्मान को बचा सके। वो अब तक पढ़ रहा था जब भी अपने माँ बाप पे बोझ, वो आज नहीं पढ़ रहा जब भी अपने माँ बाप पे बोझ। जिन किसानों की 50 साल की उम्र हो चुकी उन्हें 6,000 रुपये महीना पेंशन दे और जो विधायक एमपीओ को पेंशन मिल रही वो तुरंत बंद करे सरकार, किसान पेंशन शुरू करे। नहीं उत्तर प्रदेश की तो, उत्तर प्रदेश का दिल्ली तो मेरठ ही है भाई, उत्तर प्रदेश का तो दिल्ली मेरठ है। मान लिया जब केंद्र से लड़ेंगे फिर दिल्ली जाएंगे, अब तो प्रदेश सरकार से लड़ रहे तो मेरठ ही बैठेंगे।